कुछ बड़े उद्योगपति होंगे, इससे भी नुकसान है। पहले से ही आपदा है, इतना नुकसान हो रहा है, तो इस समय तो जैसे पूरे प्रदेश की स्पिरिट हमने देखी है, भावना देखी है कि सरकार में भी वही भावना रही है। मैंने रास्ते में आ रही थी तो कुछ लेडीज श्रमदान कर रही थी, उन्होंने कहा कि जो नेशनल हाईवे है उसमें काम आस्ते से चल रहा है, उसको तेजी से करना चाहिए। तो पूरी जो कुछ ये बता भी रहे थे कि काफी लोगों ने दान भी दिया है, कुछ रास्ते में हम कुछ लोगों ने रोका, उन्होंने भी किसी ने 5 लाख का चेक दिया, 1 लाख का दिया। ये भावना जो है, ये जो हिमाचल की भावना है, जनता की भावना है कि एकजुट होकर आपदा का सामना कर रहे हैं, उसी भावना से जुड़ी हमारी सरकार की भावना है और हमारे मुख्यमंत्री जी की भावना है। तो सब इकट्ठे इस तरह से काम कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए, बहुत बड़ी चीज़ है, पूरे देश के लिए एक मिसाल है और पूरे देश को इसी से सीखना चाहिए। लेकिन इसको देखते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार को भी इसी भावना से मदद करनी चाहिए। इस समय ये नहीं देखना चाहिए कि यहाँ पे हमारी कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की है, ये राजनीतिकरण इसका नहीं होना चाहिए। जितनी मदद हो सके उतनी मदद हिमाचल की जनता की होनी चाहिए। मैम, नेशनल लेवल पर कांग्रेस पार्टी जो है इस मामले को लेकर जो है वो केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए कोई प्लान करेगी ना, ताकि हिमाचल की मदद ज्यादा से ज्यादा हो सके? सुक्कू जी ने कहा कि वो मिलेगी। जब G20 किया था तो मैंने याद करवाया कि नेशनल डिजास्टर इसको डिक्लेयर कीजिए, उन्होंने मुझे पकड़ के कहा कि हम इसको करेंगे। उसमें जब भी मैं पहले भी हमने पूरी जो केंद्र सरकार के नियमों के तहत है 10 अगस्त तक हमने 8,000 करोड़ रुपए का जो अनुमान था उसके भेज दिया, और दूसरी आपदा तो 14 अगस्त को आई है जी, तो 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान है, स्कूल तक नहीं रहे। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैडम ने स्पेशल आकर आज सारी जगह दौरा करने का विचार रखा है और खुद अपनी आंखों से यूनियन देखा है और महसूस किया। पिछले दिनों जो केंद्रीय मंत्री भी है तो उन्होंने भी महसूस किया कि नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर होना चाहिए, हम सबकी ही मांग। धन्यवाद। कुछ बड़े उद्योगपति होंगे, इससे भी नुकसान है, पहले से ही आपदा है, इतना नुकसान हो रहा है, तो इस समय तो जैसे पूरे प्रदेश की स्पिरिट हमने देखी है, भावना देखी है कि सरकार में भी वही भावना रही है। मैंने रास्ते में आ रही थी तो कुछ लेडीज श्रमदान कर रही थी, उन्होंने कहा कि जो नेशनल हाईवे है उसमें काम आस्ते से चल रहा है, उसको तेजी से करना चाहिए। तो पूरी जो कुछ ये बता भी रहे थे कि काफी लोगों ने दान भी दिया है, कुछ रास्ते में हम कुछ लोगों ने रोका, उन्होंने भी किसी ने 5 लाख का चेक दिया, 1 लाख का दिया। ये भावना जो है, ये जो हिमाचल की भावना है, जनता की भावना है कि एकजुट होकर आपदा का सामना कर रहे हैं, उसी भावना से जुड़ी हमारी सरकार की भावना है और हमारे मुख्यमंत्री जी की भावना है। तो सब इकट्ठे इस तरह से काम कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए, बहुत बड़ी चीज़ है, पूरे देश के लिए एक मिसाल है और पूरे देश को इसी से सीखना चाहिए। लेकिन इसको देखते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार को भी इसी भावना से मदद करनी चाहिए। इस समय ये नहीं देखना चाहिए कि यहाँ पे हमारी कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की है, ये राजनीतिकरण इसका नहीं होना चाहिए। जितनी मदद हो सके उतनी मदद हिमाचल की जनता की होनी चाहिए। मैम, नेशनल लेवल पर कांग्रेस पार्टी जो है इस मामले को लेकर जो है वो केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए कोई प्लान करेगी ना, ताकि हिमाचल की मदद ज्यादा से ज्यादा हो सके? सुक्कू जी ने कहा कि वो मिलेगी। जब G20 किया था तो मैंने याद करवाया कि नेशनल डिजास्टर इसको डिक्लेयर कीजिए, उन्होंने मुझे पकड़ के कहा कि हम उसको करेंगे। उसमें जब भी मैं पहले भी हमने पूरी जो केंद्र सरकार के नियमों के तहत है 10 अगस्त तक हमने 8,000 करोड़ रुपए का जो अनुमान था उसके भेज दिया, और दूसरी आपदा तो 14 अगस्त को आई है जी, तो 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान है, स्कूल तक नहीं रहे। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैडम ने स्पेशल आकर आज सारी जगह दौरा करने का विचार रखा है और खुद अपनी आंखों से यूनियन देखा है और महसूस किया। पिछले दिनों जो केंद्रीय मंत्री भी है तो उन्होंने भी महसूस किया कि नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर होना चाहिए, हम सबकी ही मांग। धन्यवाद।